एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो आज जो पोल्स मैंने सुबह क्रिएट करी थी उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोगों का ये है कि मैम पहली साइक्लिक और रीडर्स कंप्लीट करवा दो, उसके बाद बाकी वाले चैप्टर्स जो उन्हें मतलब स्टार्ट किए हुए हैं बट अभी कंप्लीट नहीं हुए तो बाद में उनको जाना। तो ठीक है, अभी ना यही होगा कि पहले पेरीसाइक्लिक और रीडर्स हम खत्म करेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट कि 10 अप्रैल से पहले मैं पेरीसाइक्लिक और रीडर्स खत्म करवा दूं। ठीक है, तो अभी जो रेगुलर वीडियोज आएंगी वो पेरीसाइक्लिक और रीडर्स की ही आएंगी, बाकी उसके बाद फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और ग्रुप थ्योरी, इन दोनों में ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज है। ये बोल रहे हैं कि मैम ग्रुप थ्योरी और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी करवानी है, तो पहले हम करेंगे पेरीसाइक्लिक रिएजेंट्स, उसके बाद फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ग्रुप थ्योरी साथ में चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और मोस्फेयर और यूवी, ये तो मैं बीच में भी करवा सकती हूँ क्योंकि मोस्फेयर और यूवी जो है बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, एक दो वीडियोज में कम्प्लीट हो जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी रिएजेंट्स करते हैं। तो रिएजेंट्स में क्या है, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ 5-6 वीडियोस। इस वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम लेवल पर या एमएससी एंट्रेंस के लेवल पर ये नहीं आता है, स्पेसिफिकली नेट और गेट के लिए है, तो नया हो सकता है आपके लिए। तो इसमें क्या होता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन में, देखो मैंने अपना एग्जाम्पल लिखे हुए, दो एग्जाम्पल्स, रिएजेंट सेम है, सॉरी सब्सट्रेट सेम है बट रिएजेंट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हुआ है, OH को रिप्लेस करके Cl आया है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है सब्सटीट्यूशन, जबकि यहाँ पर क्या हुआ है OH से बन गया है CO मतलब CHO, यहाँ पर क्या हुआ है OH से CHO मतलब हो गई है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है OH को रिप्लेस करके आया है Cl, मतलब क्या हुआ है सब्सटीट्यूशन, ये है सब्सटीट्यूशन और ये ऑक्सीडेशन, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है सिर्फ बेस का, ये क्या है ट्राइथाइल अमीन, तो ये बेस है। तो मतलब हमें ये कहना चाहते हैं इस एग्जांपल से कि अगर डीएमएसओ और सीओसीएल होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक क्लोराइड, तो अगर डीएमएसओ के साथ ऑक्सैलिक क्लोराइड ऐड किया हुआ है और उसके साथ में डाला हुआ है बेस, तो अगर बेस प्रेजेंट है तो आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर OH का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर अगर बेस एब्सेंट है तो उस वाले केस में हो जाएगी सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये वाली तो सिंपल, अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको यही लिखना है, यहां से आपको ध्यान रहेगा कि बेस की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, बेस की एब्सेंस में सब्सटीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ रिएजेंट बेस्ड तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेंगे, बट एक्चुअल में क्या होता है कई बार एग्जामिनर उसका मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म के बेस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमने रिएजेंट भी पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल्स भी किए हुए प्रैक्टिस, बट मैकेनिज्म नहीं देखा और मैकेनिज्म के बीच से क्वेश्चन आया और छोड़ के आना पड़ गया, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको मैकेनिज्म पूरा करवा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी आपको रिएजेंट में पूरा मैकेनिज्म करके नहीं दिखाती हूँ क्योंकि वहां पर क्या होता है मेन्स का फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पर मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजन ये है कि सिर्फ बेस की प्रेजेंस और एब्सेंस से चेंज हो रहा है, तो ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है मैकेनिज्म में वो हम देख लेंगे अभी। देखो जो रिएजेंट है वो है डीएमएसओ COCl होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिन OXALYL ऑक्सैलिन क्लोराइड, और साथ में क्या है बेस। जनरली क्या होता है हम अमीन ही यूज करते हैं एज अ बेस, ट्राइथाइल अमीन, और उसके बाद डीएमएसओ का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, ये क्या है डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है डीएमएसओ का, और ये है हमारा ऑक्सैलिक क्लोराइड, और साथ में है बेस। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म होता किस तरह से है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो यहां पर बेस है। ठीक है, ये है हमारा ऑक्सैलिक क्लोराइड। अब देखो कोई भी रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक हमने सुना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब कई बार क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही, यहां पर देखो ये दोनों में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा ये वाला बोन कैसे ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, यहां से हटा के इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इतना ठीक है। अब जो ये कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो यहाँ पर भी, और ये कार्बन किस तरह की है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि इधर जा रहे नेगेटिव और इधर आएगा इधर नेगेटिव लगा दू मैं और यहाँ पर पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पर सीएल भी लगा हुआ है, मैंने आपको बताया है हेलोजन के केस में आप हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी हर जगह पे कोई भी रिएक्शन है जीओसी है, आप इसके केस में सिर्फ क्या कंसिडर करते हो हेलोजन के केस में
सिर्फ माइनस आई इफेक्ट हम कंसिडर करते हैं हेलोजन का, ऑर्गेनिक में चाहे किसी भी तरह की रिएक्शन हो हमेशा हम माइनस आई कंसिडर करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो ये वाला बोन यहाँ पे ब्रेक हुआ, नेगेटिव इधर है पॉजिटिव, तो अब ये क्या है यहाँ से नेगेटिव अटैक कर सकता है यहाँ पर इस वाले कार्बन में, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर और ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच ने आपने क्या किया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, हमारे पास क्या बनेगा आप सल्फर का सीएचसी तो लगा ही हुआ है, यहाँ पर भी सीएच थ्री इधर पॉजिटिव साइन है, बस हुआ ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया ये वाली कार्बन कंबाइंड और यहाँ पर है ओ माइनस, इससे आप एक लगा हुआ है सीएल जो मैं नीचे लगा रही हूँ और एक है हमारा सीओसीएल जिसको मैंने इस तरह से लगा दिया, कितना ठीक है ये वाला स्टेप समझ आया मैकेनिज्म का। अब इसे इन दोनों का एडिशन हुआ है और हमारे पास ये बना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि सीएल हमारा क्या है लिविंग ग्रुप, तो बाकी जैसे हम पढ़ते हैं कार्बोनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन वैसे यहाँ पर भी होगा, सीएल माइनस निकल जाएगा इधर पॉजिटिव आके ये इधर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन कार्बोनिल और फिर से ये सीओ सीएल, ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट। नेक्स्ट अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो क्या होगा इधर से नेगेटिव, और देखो यहाँ से क्या हो गया हमने सीएल माइनस को बाहर निकाल दिया, तो मतलब ये सीएल माइनस भी हमारे रिएक्शन मीडियम में है ये भी अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में क्या होगा इधर जैसे ही नेगेटिव आएगा इधर आएगा पॉजिटिव, तो अगर इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है तो क्या होगा ये अपने डोनेट करेगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया ओ माइनस, इधर जैसे ही पॉजिटिव आया ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर देके बना दिया प्लस, और ये बाकी सारा सेम मैं सीएचसी को इस तरह से डिनोट कर रही हूँ सीएचसी सीएचसी यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सीओ सीएल, इतना ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, अगर किसी पे आर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब अगर प्लस सपोज करो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन हमेशा दो बोन बनाता है, अगर आप तीन बोन बन गए हैं तो ये ट्राई करेगा अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की, तो क्या होगा ये वाला बोन इस तरह से ब्रेक होगा इधर जाएगा नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पर एक और पॉजिटिव आएगा और साथ में क्या है सीएल माइनस तो यहाँ पे अटैक कर देगा, तो हमारे पास क्या बनेगा एस सीएच थ्री सीएच थ्री और ये आ गया सीएल। अब देखो एक पॉजिटिव इसमें ऑलरेडी है, जैसे ये बोन ब्रेक हुआ इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, अब यहाँ पे दो पॉजिटिव हो गए हैं बट एक सीएल माइनस लेके आ रहा है तो एक प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और एक प्लस बचेगा, ठीक है। तो ये है हमारा मेन इंटरमीडिएट जिसे हम आगे रिएक्शन करवाने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा ये इधर ओ माइनस और यहाँ पर ये बन गया है और इधर सीओ सीएल, ठीक है। अब क्या करना है फिर से उसको हटाना है, तो कैसे करेंगे सीएल अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सीएल माइनस यहां से निकला इधर आया प्लस साइन, फिर से हमने इसको दे दिया नेगेटिव और उसको कर दिया न्यूट्रलाइज और यहां से ये आ गया इधर, तो हमारे पास क्या बना ये तो बन गया सीओ टू और ये क्या है सीओ और साथ में हमारा सीएल माइनस, तो हमारे पास पूरा स्टेप सारा स्टेप कंप्लीट करने के बाद ये चार हमारे पास क्या मिले साइड प्रोडक्ट्स। अब इस वाली रिएक्शन का जो हम बोलते हैं कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, देखो कोई भी रिएक्शन है वो तभी मतलब पॉसिबल होती है अगर उसके लिए कोई ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल होता है, बिना ड्राइविंग फोर्स के कोई भी रिएक्शन नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर नेचर में भी, कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स हमेशा होगा। तो यहाँ का ड्राइविंग फोर्स क्या है, देखो ये गैस है सीओ टू और सीओ दोनों क्या है गैसेस, तो जिस भी रिएक्शन में मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ जिस भी रिएक्शन में गैसेस होती है साइड प्रोडक्ट वो क्या होता है उसका ड्राइविंग फोर्स। रीजन गैसेस रिलीज होने की वजह से क्या होगी जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी, और हमेशा क्या होता है नेचर में भी लॉ है कि हमेशा हर सिस्टम अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज ही करना चाहता है, तो जिस भी रिएक्शन मतलब जिस भी स्टेप में इंक्रीज होंगी जिस भी स्टेप में रिलीज होंगी गैसेस तो वो होता है उसका ड्राइविंग फोर्स, तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है इनका रिलीज होना गैसेस का। अब हम करेंगे सिर्फ इस वाले पे काम, बाकी सारा हमारा कवर हो गया। अब हम बात करते हैं हमने इंटरमीडिएट की सॉरी सबस्ट्रेट की जो कि क्या था एल्कोहल, मैं इसको फिर से लिखूंगी वापस ऊपर, तो अब देखो हमारे पास क्या था एल्कोहल, मैं पूरे ग्रुप को सपोज करती हूँ आर है और यहाँ पे सपोज हमारे पास ये है प्राइमरी एल्कोहल। अब हाँ एक और बात ध्यान रखेंगे ये जिस कार्बन से अटैच है अगर वो एक कार्बन से अटैच होता है हमारे पास होता है प्राइमरी एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्कोहल के केस में क्या होता है अगर प्राइमरी ओएच है तो हमें मिलता है एल्डिहाइड, अगर सेकेंडरी सेकेंडरी ओएच होता है तो हमें मिलता है कीटोन, और अगर इनकेस टर्शियरी एल्कोहल है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी
नो रिएक्शन। ठीक है, आपको इस बात पे ध्यान रखना है किस वाले रिएक्शन की वजह से प्राइमरी को चेंज करें एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, टर्शरी में नो रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं जो हमने कंसीडर किया हुआ है स्टार्टिंग में, वो क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, मतलब क्या बनेगा यहां से एल्डिहाइड। तो हमारा जो इंटरमीडिएट आया था वो किस तरह का था, इधर प्लस, इधर CH3, इधर CH3 और यहां पर था Cl, इस तरह से था। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, तो ये हो सकता है ये ऑक्सीजन यहां पर अटैक करे और ये Cl फिर से अच्छा लेकिन मुड़कर निकल जाएगा यहां से, तो यहां से हो गया माइनस Cl माइनस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जो लोन पेयर्स है वो यहां पर अटैक करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इधर O, इधर H तो लगा ही हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, अगर तीन बनाएगा तो एक एक्स्ट्रा चार्ज उस पर आएगा। इतना ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट टाइम में देखो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस साइन, क्यों, क्योंकि Cl- निकल गया है, प्लस छोड़ भी गया है, प्लस को तो उसने न्यूट्रलाइज कर दिया बट जो यहां से आएगा वो अभी भी यहां पर रहेगा। नेक्स्ट टाइम में फिर से वही चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, वो कैसे होगा, यहां से इसको ब्रेक कर देगी, एच प्लस यहां से निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, CH3 और ये है पॉजिटिव। अब इसके बाद हमारा काम आता है किसका, बेस का, कि जो बेस हमने यूज किया हुआ है वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, अब बेस देखो क्या कर रहा है, यहां से जो ये वाला CH3 है इसके पास क्या कर सकता है ये। अब देखो एक और बात है, ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा एसिडिक प्रोटोन है, एक एच यहां पर भी अवेलेबल है, दो एच इधर से इनके पास भी अवेलेबल है, तो कौन से वाले एच से, मतलब कौन से वाला प्रोटोन निकलेगा कौन से वाले कार्बन से, तो मैं बोल रही हूं इन दोनों में से कोई निकलेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां से अगर एच प्लस निकाल दूं तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा CH2- और इधर है पॉजिटिव साइन, यहां पर है CH3। अब ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि देखो इधर है नेगेटिव चार्ज और सल्फर के पास क्या होती है, सल्फर के पास होती है डी ऑर्बिटल, तो मतलब डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या है, जो ये नेगेटिव है ये यहां पर क्या कर सकता है, डीलोकलाइज, तो डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा, ये स्टेबलाइज कर जाएगा, तो इसलिए हमारा ये वाला प्रोटोन निकला है, क्योंकि जो प्रोटोन के बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकते हैं सल्फर में, तो इसलिए ये वाला स्टेबल है, इसलिए हमने यहां से ये वाला प्रोटोन निकाला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो बेस का तो बेस तुमने काम कर दिया, बेस तुमने काम कर दिया, CH2- आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहां पर दो एच है, अब देखो क्या होगा, अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रलाइज करना है अपने चार्ज को, तो क्या होगा ये इस वाले एच प्लस को निकालेगा यहां से, तो जैसे ही एच प्लस निकालेगा यहां पर आएगा माइनस साइन और इसको न्यूट्रलाइज होना है तो यहां से ही निकल जाएगा ऐसे, तो इधर आया पॉजिटिव इधर आया नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बन गया, सी के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर बच गया एक एच, तो ये हमारा आ गया एल्डिहाइड। इतना ठीक है, अब देखो ये तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि बेस प्रेजेंट था यहाँ पर, इन केस अब यहाँ पर क्या है, बेस प्रेजेंट नहीं है, हमारे साथ इतना ही इंटरमीडिएट बना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ से CL- फिर से रिलीज हुआ है और पहले भी हमारे पास CL- प्रेजेंट था सिस्टम में, तो क्योंकि बेस नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट तो यहाँ से इस बार एच प्लस निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, जो ये CL- है ये अटैक करेगा इसे न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां से निकलेगा ऐसे, या फिर उससे भी पहले आप ये कर सकते हो पूरा मैकेनिज्म दिखाने के लिए कि हमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है और सल्फर के पास होती है डी ऑर्बिटल, तो अगर कोई भी लोन पेयर है तो वो ट्राई करते हैं हमेशा ही डीलोकलाइज होना, तो कभी भी ऐसे नहीं दिखा सकते आप सिस्टम में, वो हमेशा जाएगा ही जाएगा ऐसे, अगर उसके पास अवेलेबिलिटी है ऑर्बिटल मतलब ऐसे एम्प्टी ऑर्बिटल्स की तो वहां पर डीलोकलाइजेशन होती ही है हमेशा। तो यहां पे क्या हुआ, इधर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्या करेंगे इसको यहां से निकालेंगे और इधर से आ जाएगा CL-, तो जैसे इधर नेगेटिव गया इधर आ गया पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बन गया RCH2Cl। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन किसका, जो ये वाला OH ग्रुप था इसको रिप्लेस कर गया है Cl ने, और इस वाले केस में क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, OH को OH की जगह पे आ गया है कार्बोनिल कंपाउंड, तो बस यही थी आपकी सॉल्ट ऑक्सीडेशन, इसी तरह से हम करते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, मतलब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने यहां देखा आप पूरा पढ़ के जाओ और एग्जाम्पल आपसे अमाइड का पूछ ले, अगर अमाइड दिया हो और उसमें हमने डाला हो CuCl2 DMSO बेस सब कुछ ऐड किया हो, मतलब सोडियम ऑक्सीडेशन करवाया हो उसका,
तो यहां से हमारे पास क्या आता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन। नाइट्राइल बन जाते हैं अमाइड से, मैकेनिज्म आपको फटाफट करवाती हूँ। देखो जो हमारा इंटरमीडिएट था वो ये था CH3 और यहां पर था CN। यही हुआ था पहले, मतलब जिस तरह से अभी हमने गैसेस को रिलीज करवा दिया था CuCO2 और Cl- निकल गए थे, यहां से हमें यही मिला था। तो अब क्या होगा, क्योंकि देखो यहां पर ये लोन पेयर्स, मैंने आपको बोला है जब भी कोई पॉसिबिलिटी होती है डीलोकलाइजेशन, चाहे वो कैसे भी हो, हमेशा वहां पर डीलोकलाइजेशन होगा ही होगा। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो ये कभी भी जो लोन पेयर्स है कभी भी लोकलाइज नहीं रहेंगे, हमेशा यहां पर जाएंगे ही जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, मतलब O- और इधर डबल बॉन्ड एंड यहां दो H ऐसे, और इधर है पॉजिटिव साइन। अब न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, यहां से H+ निकल गया और ये हो गया न्यूट्रलाइज। तो इसको मैं हटा देती हूँ पूरा यहां से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, Cl- निकलेगा या अटैक करेगा यहां पर, जैसे पहले हुआ था कार्बोनिल में वैसे ही है। और के साथ इधर एस प्लस, फिर से उसी रीजन की वजह से आया कि Cl- गया है तो प्लस छोड़ के गए हैं, तो यहां पर ये और साथ में NH इधर, ठीक है। अब क्या है, बेस प्रेजेंट है PT3N, तो बेस क्या करेगा फिर से। अब देखो बेस के पास इस बार फिर से दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस वाले H को एलिमिनेट करें, मतलब H+ निकाल ले, या फिर इस वाले को करें। अब क्या होगा, अगर आप ये सोच सकते हो कि जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये वाला एच एसिडिक होगा। हाँ सही बात है, एसिडिक तो होगा, बट इस वाले केस में क्या होगा, अगर मैं H+ को निकालू तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, है ना। और अगर मैं यहां से H+ को निकाल दू तो ये बन जाएगा CH2-। अब जो ये वाला माइनस है ये यहाँ पे क्या है, लोकलाइज अपनी ही पोजिशन पर रहेगा, बस इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये डीलोकलाइज करेगा डी ऑर्बिटल सल्फर के, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए क्या करेगा, जो हमारे पास एक इक्विवेलेंट है बेस का वो क्या करेगा, इस वाले H को निकालेगा। तो यहां से ये बन गया, इतना ये हमारा बन गया बेस एड करने के बाद। नेक्स्ट टाइम में ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो भी प्रोटोन होगा उसको एलिमिनेट करेगा, मतलब यहां से H+ को निकाल लेगा। तो यहां पर आ गया है माइनस साइन और इसने ले लिया है H+, तो ये बन गया है CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन है फिर से वही स्टेप, यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए तो यहां पर आया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में यहां से निकला ये, इधर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो ये आ गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, SO CH3 CH3, और ये क्या था DMSO, मतलब इस वाले केस में DMSO हमारे पास वापस से रिप्रोड्यूस हो जाता है रिएक्शन में। तो ये क्या आपके सोन ऑक्सीडेशन, इसमें यही वाले केसेस पॉसिबल होते हैं एग्जाम में, CSIR नेट में स्पेसिफिकली आ सकता है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बेस की प्रेजेंस में होना है ऑक्सीडेशन, एब्सेंस में होना है सब्स्टिट्यूशन, और अमाइड है हमारा सब्सट्रेट तो उस वाले केस में मिलता है R ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल ग्रुप मिलता है। और हाँ, मैकेनिज्म को जरूर फोकस करके जाना है, मैकेनिज्म के बीच में से कई बार इंटरमीडिएट पे या किसी और से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी रिएजेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।